बेतहाशा पीछे की ओर से खींचना, बाद लोगों को झुकना, बर्निंग भी बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है। तो ये सिम्टम्स आपको होते हैं। और जैसे कि आपने फरमाया कि आपको इंजेक्शन सजेस्ट किया गया है, तो यूजुअली जो इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि 6 इंजेक्शन आप बता रहे थे, एक्चुअली 1 इंजेक्शन में काम हो सकता है। वो क्या क्या प्रोसीजर क्या होता है जिसमें कि आपको पीछे की तरफ से इंजेक्ट कर दिया जाता है, जाकर जो चीज़ हर्निएटेड है, मतलब अंदर से जो न्यूक्लियस निकल कर आ है, उसको जो है ना खींच लिया जाता है, तो उसके बाद में आपका कंप्रेशन चले जाता है। या नहीं तो जैसे कि आप 6 इंजेक्शन वगैरह की जिक्र कर रहे थे, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मेथाकोबेलामिन के इंजेक्शन हों, जिसकी वजह से आपके रगों में ताकत आए, ऐसा जो ना होता। तो हम जहाँ तक हमारा राय आपको है, ये है कि जो है ना आप कोई होम्योपैथिक हमारे क्लिनिक को आ जाइए, इंटरनेशनल को आ जाइए, इन चीज़ों की आपको बिल्कुल भी इंशाल्लाह ताला जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको जो है ना सीवियर कंप्रेशन भी हैं, तो जो है ना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से शायद इसको थोड़ा ज़्यादा वक्त लगे, लेकिन आपको बगैर ऑपरेशन का ही जो है ना ट्रीटमेंट हमारे पास दस्तियाब है। यानी इसमें इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। तो बेहतर है, लेकिन साहब आप एक बार अपनी खरीदी होम्योपैथी इंटरनेशनल की जांच से कर सकते हैं, वहीं पर आपकी एम आर आई और जो रिपोर्ट देखने के बाद ही आपको सही से गलत की जा सकती है। और आप जो इंजेक्शन वगैरह के बारे में बताते हैं, वो भी हो सकता है कि आपको ना लेना पड़े। बेहतर है कि आप एक बार विजिट करें। एक और कॉलर हमारे साथ बने हुए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर जी, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या मसला है?